हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। मैं अंशुल टकोरिया आज की स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ अडोबे फोटोशॉप 2022 सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो आज मैं आपको क्या बताऊँगा, मैं आज आपको कई सारे चीज़ों के बारे में बताऊँगा और मैं आपको इसमें थोड़ा सा वर्क करके दिखाऊँगा। मतलब कि किसी इमेज को मैं लूँगा, मतलब कि एक लेडी की इमेज लूँगा, इसमें अडोबे सॉफ्टवेयर के अंदर प्लेस करूंगा और उसमें मैं कुछ इफेक्ट दिखाऊंगा आपको, 3D इफेक्ट और नॉर्मल इफेक्ट। और मैं कुछ इसमें चैनल्स बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी फोटो को अच्छा बना सकते हो लाइट ड्रा करके, ठीक है। और एक मैं इसमें जो ये इमेज है, जो आपको ऐसी इमेज दिखती होगी, ये इमेज बनाना भी सिखाऊंगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम कर लेते हैं ओपन न्यू फाइल, ठीक है, और कस्टम में जाके सीधा क्रिएट कर लेता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और इधर जाके मैं एक सिंपली एक फाइल प्लेस कर लेता हूँ एक लेडी की, जैसे कि ये फाइल प्लेस हो चुकी है। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, इस इमेज को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब मैं इस पर टिक कर लेता हूँ। और आपको क्या करना है अब इसमें, अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट यूज करके दिखाऊंगा इसमें इमेज में। इस पे जो ये आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको सेलेक्ट करना है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल सेलेक्ट करना। और ये ध्यान रखना है ये मल्टीपल पे होना चाहिए, क्योंकि मुझे मल्टीपल इसमें रेक्टेंगल बनाने हैं, सिंगल रेक्टेंगल नहीं बनाना। एक मैं ले लूँगा यहाँ से रेक्टेंगल, एक मैं ले लूँगा यहाँ से रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल मैं ले लूंगा यहाँ से और एक रेक्टेंगल ले लूंगा मैं यहाँ से और एक रेक्टेंगल ले लूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। जैसे कि मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी कॉपी बनानी होगी। कॉपी मैंने आपको बताई होगी कॉपी कैसे बनती है, अगर आपको कॉपी बनानी नहीं आती तो मैं सिंपली बता देता हूँ आपको। ये जो लेयर दिख रही होगी इस पर सिंपली टिक करना है, मतलब कि लेफ्ट माउस के लेफ्ट क्लिक करना है और फिर आपको कंट्रोल प्लस जे दबा देना है, एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, आपको ये जो ये यहाँ से एक छोटा सा दिख रहा होगा डब्बा, इस पर आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड में कंट्रोल दबाना है और सिंपली जो माउस है उसका लेफ्ट वाला क्लिक करना है, ठीक है। ये ऐसे आपको दिख जाएगा, ठीक है, इमेज पे ऐसे आपको दिख जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट दिखाना है आपको, तो आपको नॉर्मली क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू करना है, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये इफेक्ट आपको दिख जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, एक इसकी कॉपी दोबारा से बना सकते हो कंट्रोल प्लस जे करके, ठीक है, नॉर्मली ऐसी आपको दिख जाएगी। फिर इसे ट्रांसफॉर्म करना हो तो आपको क्या करना होगा, शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करना है नॉर्मली ये लेयर और ये इस लेयर पे और कंट्रोल प्लस ई कर लेना है, तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ आपको 3D इफेक्ट बनाना, ठीक है। आपको क्या करना, सिंपली दोबारा से वो फाइल ले लेनी है जो मैंने अभी ली थी, ठीक है, मैं इसे प्लेस कर लेता हूँ दोबारा से और मैं आपको बताता हूँ कि 3D इफेक्ट कैसे दिखा सकते हो आप इसमें। तो सिंपली एंटर कर लेते हैं, ठीक है, आपको ये ले होगी कि लेयर मेरी ए नाम से है। अब मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ कंट्रोल प्लस जे करके, सिंपली मेरी कॉपी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, लेयर ए पे जाना है, लेफ्ट क्लिक मारना माउस से और डबल टैप करना लेफ्ट क्लिक करके माउस का, ठीक है, ऑप्शन खुल जाएगा आपके पास कौन सा लेयर स्टाइल, ठीक है। आपको सेंटर में क्या दिखेगा, एक ब्लेंडिंग ऑप्शन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, नॉर्मली। फिर उसके बाद नीचे आपको एडवांस ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, ब्लेंडिंग, ठीक है, ग्रे में। आपको क्या करना है, एडवांस ब्लेंडिंग पे जाना है और इसके जस्ट दूसरे नंबर पे आपको दिखेगा चैनल नाम से, उसमें आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, रेड मतलब कि आर, ग्रीन मतलब कि जी, ब्लू मतलब कि बी, ठीक है। आपको नॉर्मली रेड जो लिखा हुआ है उस पर टिक लगा होगा उसको हटा लेना है और सिंपली ओके कर लेना है। और फिर आपको जाना है कॉपी पे, जो लेयर की, जो ए लेयर की कॉपी बनाई थी उस पर डबल क्लिक करना है और सिंपली इसमें क्या करना होगा, आपको ब्लू पे हटा लेना है टिक, ठीक है, और ओके कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, जो कीबोर्ड में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट के होते हैं ऑप्शन, उसको आपको कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करोगे आपको 3D इफेक्ट दिखने लग जाएगा,
ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस इमेज में, थोड़ा सा लेफ्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप 3D इफेक्ट बना सकते हो इमेज का, मैं आपको बताता हूँ चैनल्स बनाना, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ आपको हेयर एक्सटेंशन एंड बैकग्राउंड विद चैनल्स के बारे में, ठीक है। सिंपली आपको जाना है फाइल के ऑप्शन पे, एक आपको इमेज सेलेक्ट कर लेनी है किसी भी लेडी की, ठीक है। ये ध्यान रखना है वो PNG में होनी चाहिए और इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। और इसे आप सिंपली से इस इमेज को थोड़ी सी बड़ी कर लेना, ठीक है। इस इमेज को हल्की सी जैसे ड्रैग करके बड़ी कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चैनल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना और सिंपली आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। आपको ब्लू पे टिक कर लेना सिंपली। और यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको ड्रैग करके सिंपली प्लस के ऑप्शन पे लेके जाना है। और आपको जो ये दिख रहा होगा ना, ये ब्लू कॉपी आ चुकी है हमारी, ये कॉपी बन चुकी है ब्लू नाम से, ठीक है। आपको कंट्रोल दबा के सिंपली इसके थंबनेल पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है और ऐसे आपको ये सिलेक्शन दिख जाएगा। फिर आपको क्या करना है, Ctrl+L कर लेना है, ठीक है। Ctrl+L करने के बाद आपको ये नॉर्मली ऐसे ब्लैक कर लेना है इनपुट लेवल्स में, या इससे पहले भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने थंबनेल लिया था उससे पहले भी आप कर सकते हो Ctrl+L। जैसे आप इसको थोड़ा सा ब्लैक कर सकते हो, मतलब कि जो इनपुट लेवल्स है उसके नीचे आपको तीन ट्रायंगल से दिखेंगे, उसे खींच के आप थोड़ी सी जैसे ब्लैक, डार्क और लाइट कर सकते हो इसकी इमेज को, जितना आपको करना हो। और सिंपली आपको ओके कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, इसके थंबनेल पे क्लिक कर लेना है और लेयर पे जाना है। लेयर्स पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको करना होगा एक ये ऑप्शन दिखेगा आपको, ऐड वेक्टर मास्क, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ब्रश टूल लेनी है और सिंपली इस पर अप्लाई कर लेनी है। ऐसे आपको इस पे अप्लाई कर लेनी है और इसका मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ ब्रश का। फिर ये ध्यान रखना है आपकी ओपेसिटी और फ्लो 100 पे होना चाहिए। फिर ऐसे इसके हेयर पे हम थोड़ा सा ऐसे फ्लो की तरह ये ब्रश चला लेंगे। या तो आप इसकी ब्रश भी चेंज कर सकते हो, आपकी ब्रश चेंज हो जाएगी यहाँ से, और एक ऑप्शन यहाँ से भी है, ठीक है। आप यहाँ से भी अपनी ब्रश चेंज कर सकते हो और साइज भी चेंज कर सकते हो और खुद की भी ब्रश आप बना सकते हो। वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बनती है ब्रश। थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ, अब सिंपली ऐसे लगा लेते हैं ब्रश कमांड का यूज करके, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरी लेडी दोबारा से तैयार हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर टिक करने के बाद आप सिंपली सॉलिड पे चले जाना, इसका एक बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेना, ठीक है, ओके करके, ठीक है। अब सिंपली आपको इस इमेज पे जाना है बनाई थी जो आपने, और सिंपली इस पे छोड़ देना, ये आपका बैकग्राउंड बन चुका है, ठीक है। नॉर्मली आपका ये बैकग्राउंड बन चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रश कैसे बना सकते हैं हम अपने Adobe फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। सिंपली चलते हैं, हम सिंपली न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं दोबारा से, और आपको एक ये यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रेक्टेंगल टूल कमांड के नाम से, और आपको एक रेक्टेंगल बना लेना है, ठीक है। जैसे आप रेक्टेंगल बना सकते हो अपने हिसाब से और इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये रेक्टेंगल बना लिए हैं, और ऐसे आप रोटेट भी कर सकते हो, और मैं थोड़े से और रेक्टेंगल बना लेता हूँ इसमें। जैसे मैंने रेक्टेंगल बना लिया है, फिर आपको क्या करना है,
आपको अपने खुद के ब्रश या टाइल वगैरह बनाने हो तो आप ये ऐसे भी बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली एडिट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा डिफाइंड ब्रश प्रेजेंट, ठीक है, इसका ऑप्शन दिखेगा पैटर्न से ऊपर डिफाइंड ब्रश प्रेजेंट के नाम से एक ऑप्शन होगा, इसको सिंपली क्लिक कर लेना है, ठीक है, और इस पर एक नाम आएगा, इसका नाम दे देना है अपने हिसाब से, कुछ भी दे दो आप, मैं इसका नाम दे देता हूँ एक्स, ठीक है, और सिंपली ओके कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसमें जाऊँगा इमेज पे और मैं यहाँ पे आपको एक दिख जाएगी ब्रश, ठीक है, जो कि मैंने ले रखी है, और मैं सिंपली ये आपके पास आ गई होगी ब्रश और ऐसे, और मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है, लेयर्स में जाके इस इमेज को एक बार मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ शिफ्ट की हेल्प से। ट्रांसफॉर्म मैंने कर लिया और इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ कंट्रोल प्रेस जे करके, और सिंपली मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको दिख गया होगा ये मेरी ब्रश बन चुकी है, ये मैंने अपने खुद की ब्रश बना रखी है, और आप ऐसे अपनी ब्रश बना सकते हो और अपनी इमेज को एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब नॉर्मली हम चल लेते हैं दोबारा से फाइल, न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि टैल कैसे बनाते हैं Adobe Photoshop के अंदर, और सिंपली मैं इसे ओके कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज अब मैं बताता हूँ आपको टैल बनाना, ठीक है, अब मैं आपको टैल बना के दिखाऊंगा। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, रेक्टेंगल कमांड का दोबारा से यूज करना है, मतलब कि रेक्टेंगल टूल कमांड का यूज करना है, और आपको सिंपली एक रेक्टेंगल बना लेना है, ठीक है, जैसे मैंने बना लिया है, और एंटर दबा देना है। फिर इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बना लेना है और एंटर दबा देना है। सिंपली आपको लेयर्स पे जाना है, लेयर्स पे जाने के बाद आपको रेक्टेंगल वन पे जाना है, ठीक है, रेक्टेंगल वन पे क्लिक कर लेना है, और ऐसे आपके यहाँ पे ऐसा दिख जाएगा, मतलब कि ये लाइन डैश सी लाइन दिख जाएगी, और यहाँ पे एक सर्कल से दिख जाएंगे कई सारे, और यहाँ पे आपको सॉलिड में जाना है टिक करके, ठीक है, सिंपली सॉलिड पे जाना है, और यहाँ पे आपको कलर ले लेना है जो सा लेना है आपको, मैं इसमें रेड ले रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये रेड और ब्राउन का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो चुका है, और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टू पे जाता हूँ, इसके थंबनेल पे टिक करता हूँ, ठीक है, सिंपली इस पे थंबनेल पे टिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपली मैंने ये वाला कलर ले लिया है, थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे आप इसमें टैल बना सकते हो अपने Adobe Photoshop पे, ठीक है। और मैं इसका टेक्सचर चेंज करूँगा तो कैसे करूँगा, इस पर मैं राइट क्लिक, मैं इस पर डबल टैप करूँगा और टेक्सचर के ऑप्शन पे जाऊँगा, ठीक है, जैसे कि आपको ये दिख जाएगा, और इसमें स्केल का नाम होगा और एक डेप्थ नाम होगा, ठीक है, स्केल स्केल पे जाना है और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेना है ताकि इस पर टेक्सचर आ सके, और डेप्थ अपने हिसाब से आप जितना चाहे उतना रख सकते हो, ठीक है, जितने डेप्थ दे सकते हो, ठीक है, और नॉर्मली ओके कर सकते हो। ये हमारी टैल बन चुकी है, और आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको इस जितने भी आपने रेक्टेंगल बनाया उन्हें ट्रांसफॉर्म कर लेना है शिफ्ट की हेल्प से, जैसे कि मैंने शिफ्ट दबाया यहाँ पे, और सिंपली मैं ऊपर चला जाता हूँ और रेक्टेंगल टू पे, और इन दोनों को मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस ई की हेल्प से, ठीक है, मेरा ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और ऐसे मैंने ये टैल बना लिया है, और मैंने कई सारी टैल बना रखी है, जैसे कि ये वाली टैल बना रखी है मैंने, और मैंने ये वाली भी टैल बना रखी है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे टेक्सचर की मैंने टैल बना रखी है, ठीक है, और इसमें मैंने कई सारे टेक्सचर की टैल बना रखी है, और आप भी ऐसे अपने हिसाब से टैल बना सकते हो, ठीक है। अब मैं आगे आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इसमें कि आप वर्ड आई व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो Adobe Photoshop के अंदर। चलो तो गाइज हम दोबारा से Adobe Photoshop के अंदर आ चुके हैं, अब मैं आपको बताता हूँ सिंपली आप वर्ड आई व्यू कैसे बना सकते हो अपने Adobe Photoshop के अंदर, ठीक है। हम सिंपली एक इमेज ले लेंगे किसी भी लैंडस्केप की, ठीक है, और हम इसमें क्या करेंगे, अब हम जाते हैं इमेज के ऑप्शन पे और इसकी थोड़ा सा जो साइज है उसको छोटा कर लेते हैं। इमेज साइज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इमेज पे जाने के बाद इमेज साइज दिख रहा होगा आपको, सिंपली इस पर टिक कर लेना है, और इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें आपको कई सारी डायमेंशन, वेट, रिवोल्यूशन, री सैम्पल नाम से कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको जाना है विड्थ और लेंथ के ऑप्शन पे, ठीक है,
और सिंपली मैं इसमें कर लेता 2000 by 2000 जैसे, और इसे सिंपली आपको ओके कर लेना। जैसे कि मैंने 2000 by 2000 कर लिया इमेज पिक्सल में, तो आपकी ये बन जाएगी, ऐसी इमेज बन जाएगी। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा, इसको सिंपली टिक कर लेना है। और सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब करना पड़ेगा जाना है फिल्टर के ऑप्शन पे, और इसमें आपको एक कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, इसमें आपको जाना है डिस्टॉर्ट के ऑप्शन पे, और इसमें डिस्टॉर्ट के ऑप्शन में भी कई सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, उसके अलग अलग फंक्शंस है, ठीक है। और उसमें आपको जाना है फिर पोलर कोऑर्डिनेट पे, सिंपली टिक कर लेना है। और आपको इसमें भी कई दो ऑप्शन दिखेंगे, एक रेक्टेंगुलर टू पोलर, एक पोलर टू रेक्टेंगुलर। आपको क्या करना है, सिंपली आपको रेक्टेंगुलर टू पोलर पे टिक कर लेना है, ठीक है। वैसे आपके पास सिंपली पाएगा टिक, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सिंपली ओके कर लेना है। जैसे कि आपने ये करा तो आपके पास ऐसे शेप आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी शेप बन जाएगी। और आपको क्या करना है, सिंपली इसकी एक कॉपी बना लेनी है कंट्रोल प्लस जे करके, ठीक है। जो लेयर जो मैंने अभी कॉपी करी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल प्लस टी करना है, ठीक है। इसे सिंपली आपको कंट्रोल प्लस टी कर लेना है और इसको थोड़ा रोटेट कर लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे मैंने रोटेट कर लिया है और इसे सिंपली एंटर दबा लेना है, ठीक है। ये रोटेट हो चुकी है और इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए जो मेरी लेयर जीरो है वो कहाँ तक आई हुई है मेरी लेयर जीरो, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, अब ब्रश टूल का यूज़ करना होगा। उससे पहले ब्रश टूल यूज़ करने से पहले आपको क्या करना होगा, इसमें मास्क लगाना होगा। सिंपली ये मास्क का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, वेक्टर टू मास्क, ऐड लेयर मास्क का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको क्लिक कर लेना है सिंपली। और फिर आपको क्या करना है, इसको क्लिक करने के बाद आपको करना होगा ब्रश टूल का दोबारा से यूज करना होगा। और ये ऐसे आप अब आपको क्या करना है, इस पे लेयर्स पे टिक कर लेना है और सिंपली आपको क्या करना होगा, इसमें आपको मास्क लगा लेना है। और आपको ये जो आपके यहाँ पे व्हाइट, जैसे आपके पास व्हाइट का ऑप्शन होगा, इसको सिंपली आपको ब्लैक पे कर लेना है, ब्रश ले लेनी है और इस सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। ऐसे आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। जैसे अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे मैं थोड़ा सा अप्लाई कर लेता हूँ इसके यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे, ऐसे मैंने अप्लाई कर लिया। मैं क्या करूंगा, इसे सिंपली क्रॉप कर लेता हूँ इमेज को, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये क्रॉप कर लिया है, ठीक है। और थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस इमेज को यहाँ तक, ठीक है। सिंपली मैं एंटर दबा दूंगा, ठीक है, ये मेरी लेयर क्रॉप हो चुकी है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं नॉर्मली एक और कंट्रोल प्लस जे करके एक को लेयर ले लेता हूँ, और फिर मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, सिंपली कंट्रोल प्लस टी करके रोटेट कर लेता हूँ इसको भी, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और इस लेयर की भी, जो मैंने लेयर्स ले रखी थी उसकी भी थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा लेते हैं, वो आपको दिख जाएगी। सिंपली एंटर कर लेना है। जैसे आपको कई सारे ये दिख जाएंगे बादल से, ठीक है। अब आप इसमें कुछ भी इमेज इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं शिफ्ट के हेल्प से इसे ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ये मैंने नॉर्मली ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर लगाऊंगा एक इमेज, कौन सी, ताजमहल की, ठीक है। नॉर्मली मैं इसमें से एक इमेज ले लेता हूँ जो कि मैंने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर रखी है, PNG फाइल। ये मैंने ताजमहल ले लिया है अपना। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इरेजर टूल का यूज करूंगा, इरेजर मैजिक, मैजिक इरेजर टूल नाम से एक ऑप्शन होगा, इसे सिंपली आपको यहाँ पे टिक कर लेना है और आपके जो जो बैकग्राउंड था वाइट वाइट वो आपका रिमूव हो जाएगा,
अब मैं इससे क्या करूँगा, इसमें सिंपली मैं करूँगा कंट्रोल प्लस टी करूँगा, मुझे इसे थोड़ा सा राउंड शेप में देना है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा राउंड शेप में दे दिया है और इसका मैं थोड़ा सा साइज और छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ इसे और एंटर दबा देता हूँ। ठीक है, ये जो मेरा ताजमहल है वो आ चुका है। अब मुझे क्या करना होगा इसमें, अब मुझे करना है इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसे, ऑल्ट प्लस जैसे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा ताजमहल आ चुका है। अब मैं इसमें ब्रश कमांड दोबारा से यूज करूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें मास्क लगा लेता हूँ। ठीक है, फिर इसमें ब्रश कमांड यूज करूंगा और इसमें मैं ब्रश कमांड जैसे यूज करूंगा ताकि ये ऐसे लगे कि ये ताजमहल बहुत ही बढ़िया दिख रहा हो। और आपको ये सिंपली ऐसे कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि ये असली रियल फोटो हो। ठीक है, ऐसे मैंने कर लिया है और सिंपली इसे ओके कर लेना है और ये आपकी इमेज बन चुकी है और आप सिंपली इसे दोबारा से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसे आप लेयर्स वन में जाके कंट्रोल प्लस सी दबा के ट्रांसफॉर्म हो चुकी है हमारी फाइल और सिंपली आप आर्ट की हेल्प से इसे छोटा कर सकते हो। इस इमेज का नाम क्या होगा, इस इमेज का नाम होगा आपका बर्ड आई व्यू। ठीक है, ये आप बनाना सीख जाओगे इजीली, जैसे कि मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।